हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मेरे पास एनसीईआरटी के क्वेश्चन है 22 नंबर, पेज नंबर है 397। एक्सरसाइज है 9.4। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। यानी कह रहे कि जो हमारे पास इनिशियल केस है इसमें जो बैक्टीरिया बी की वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 10 की पावर 5। आगे कह रहा है कि द नंबर इंक्रीज बाय द 10% इन ए 2 आवर। तो कह रहा है ये हमारे पास जब टी की वैल्यू क्या है, 0 है, तब के लिए सिचुएशन दी है। फिर सिचुएशन दी है कि हमारे पास बी, कह रहे कि बी जो है वो इंक्रीज हो जाता है 10%। यानी कहने का मतलब है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 10 × 11b/10। कब जिसमें वैल्यू रख लेंगे, तो यहां पर जब वैल्यू रखेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा अपने पास में 11b की जगह 10 की पावर 5/10। तो एक 0 कट जाएगा तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो 11 × 10 की पावर 4 कब है ये वैल्यू b की, जब हमारे पास टाइम कितना है, t की वैल्यू कितना है 2 आवर, और ये क्या है हमारे पास 0 आवर के लिए। आगे क्वेश्चन पे पूछा है हमसे, कह रहा है कि इफ द ग्रोथ रेट ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट इन हाउ मेनी आवर। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि हमारे पास टी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी जब भी अपना कितना हो जाए 20 × 10⁴ हमारे पास 2 लॉग। ये वैल्यू पूछा है और क्वेश्चन पे हमें कंडीशन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत प्यारी सी कंडीशन गिवन है कि जो हमारा dB/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बैक्टीरिया के, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें गिवन है, इतनी चीज हमारे पास है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे प्यारा सा, देखो हमारे पास क्या है, कह रहे किसी कल्चर किसी खेत में, ठीक है ना, कह रहे बैक्टीरिया कितनी दी हुई है, कह रहे 10 की पावर 5 यानी 1 लाख बैक्टीरिया है। कह रहा है कि जब हमारे पास इनिशियल केस है, कह रहा है जैसे ही 2 घंटे बीतते हैं बैक्टीरिया कितनी हो जाती है 11 × 10⁴ हो जाती है। कह रहा है हमें टाइम बताना है जब बैक्टीरिया कितनी हो जाए 2 लाख हो जाए, ठीक है। और क्वेश्चन पे एक चीज गिवन है कि dB/dt जो प्रोपोर्शनैलिटी है यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो ऑर्डर दिया हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किस चीज के है, बी के है। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग हटाएंगे क्वेश्चन पे, जैसे इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में dB/dt इज इक्वल टू, हम लोग लिख लेते हैं y × b, ठीक है। तो ये हो जाएगा dB/b इज इक्वल टू y × dt, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट बोथ साइड, जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा dB/b इज इक्वल टू कि y अपना बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dt। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा हमारे पास log b इज इक्वल टू yt और प्लस का c, इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम केस बनाते हुए चलते हैं। तो क्वेश्चन में जैसा पहले दिया, देखो ये केस अपने पास 1 है तो सबसे पहले इस केस को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, यानी 1 सिचुएशन को। तो 1 सिचुएशन में क्या है, तो log ये v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 की पावर 5, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके 10 × 10⁴ लिख लेंगे। ये हो जाएगा अपने पास में y और t की वैल्यू 0 और प्लस का c, तो विल गेट द c ऑफ log 10 × 10⁴ इज इक्वल टू c। तो हमें c की वैल्यू भी मिल गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो c की वैल्यू मिल गई। आगे क्वेश्चन पे ये बोला है कि जब हमारे पास t की वैल्यू कितनी हो जाए 2 आवर हो जाए,
तो हमारे पास b की वैल्यू इतनी है, तो फिर सिचुएशन में यूज करेंगे हम लोग ये वाली सिचुएशन को यूटिलाइज करेंगे सेकंड सिचुएशन। जब सेकंड सिचुएशन यूटिलाइज करेंगे तो हो जाएगा log, कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 11 into 10 to the power 4 is equal to y into multiplied by t की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास है log 10 into 10 to the power 4। तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे जब इस साइड, तो ये हो जाएगा log 11 into multiplied by 10 की पावर 4 minus log 10 into 10 to the power 4 is equal to 2y। तो ये हो जाएगा अपने पास में log 11 into 10 to the power 4 divided by 10 into 10 to the power 4 is equal to y, और ये 1 by 2 इधर आ जाएगा। देखो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 4 कैंसिल, तो 1 by 2 log 11 divided by 10, ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो ये हमें y की वैल्यू भी मिल गई है। क्वेश्चन पे निकालना है क्या है हमें, टाइम। तो आखिरी सिचुएशन हमारे पास ये वाली आखिरी सिचुएशन, ठीक है, टाइम की वैल्यू निकालना है। अगेन यही इक्वेशन उठाएंगे, देखो सारी चीजें इक्वेशन नंबर 3 से ही हो रही है, तो अगेन हम उठाते हैं। तो सिचुएशन में कह रहा है कि अब यहां पर क्या हो जाएगा, लॉग बी के प्लेस में कितना आ जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, ठीक है ध्यान से देखना, देखो कितना है हमारे पास y, y की वैल्यू मिल गई हमें 1 by 2 log 11 divided by 10 into multiplied by t plus c की वैल्यू है हमारे पास log 10 into 10 to the power 4। अगेन इस चीज को हम लोग कहां ट्रांसफर करके ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। जैसे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे तो हो जाएगा log कितना 20 into 10 to the power 4 minus log 10 into 10 to the power 4 is equal to, ये हो जाएगा 1 by 2 log 11 divided by 10 into multiplied by t। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा अपने पास में log 20 into 10 to the power 4 divided by 10 into 10 to the power 4 is equal to 1 by 2 log, sorry, 11 divided by 10 into multiplied by t, ये cancel out हो जाएंगे, तो कितना मिलेगा log 2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा, divided by log 11 divided by 10 is equal to 2, यही हमारा final answer, यानी कि t की value जब इतने हार होगी तो हमारे बैक्टीरिया काउंट कितना हो जाएगा, 2 लाख। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ये अप्रोच अपनाओ, कभी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। आप ऐसा पहले इधर की तरफ लिख लो इस चीजों को और बाकी केसेस को पुट अप करते हुए चलो, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है मुझे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ में जो भी लोग पेपर दे रहे होंगे प्लीज शेयर करना, सबका बेनिफिट हो जाएगा।